नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में हुई अयोध्या विवादित भूमि मामले पर सुनवाई। सोशल मीडिया को लेकर अन्य मामले में अदालत का रुख सख्त। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की तैयारियां पूरी। नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम। 2 दिन रहेगा इंटरनेट बाधित। करौली में नाबालिग को शिक्षक ने बनाया हवस का शिकार। आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। पर्यटन को लेकर राजधानी में जुटे कई देशों के विशेषज्ञ। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने को लेकर हुई चर्चा। शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अयोध्या की विवादित भूमि का असली दावेदार वही है, क्योंकि बाबरी मस्जिद पीर बाकी ने बनवाई थी, जो कि एक शिया थे। बोर्ड ने कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मुसलमानों को दी गई एक तिहाई भूमि को राम मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दान करना चाहता है। धार्मिक सौहार्द बनाने वाला बहुत ही अच्छा निर्णय। मस्जिद के लिए अच्छी जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए और पर्याप्त राशि भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील एसएन सिंह ने कहा कि इस महान देश की एकता, अखंडता, शांति और सद्भावना के लिए शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या की विवादित भूमि के मुसलमानों के शेयर को राम मंदिर निर्माण के लिए दान करने के पक्ष में है। वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन डेटा पर निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया हब के गठन की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्णय पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह निगरानी राज बनाने जैसा होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टेप करना चाहती है और उसे 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के आजीवन सुविधा के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने पास एक आवास रखें। बंगला नंबर 13 को मुख्यमंत्री आवास घोषित करें। इस मामले पर भाजपा पदाधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रशासनिक विषय है, ये प्रशासनिक विषय चलते ही रहते हैं और ये जो विषय है ये हर समय रहने चाहिए। मैं अदालत के इस निर्णय का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि अदालतों का ऐसे संवेदनशील मामलों में निर्णय जो है उसको देखेंगे इसमें क्या स्थिति है, उसके बाद में ही मैं इसमें कुछ कहूँगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए निकली भर्ती 13,142 पदों पर शनिवार व रविवार को होने वाली लिखित परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से जालसाजों के झांसे में न आकर प्रवेश पत्र के साथ दिए गए निर्देशों का पालन कर शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित करने में सहयोग करने की अपील की गई है। प्रदेश में 664 परीक्षा सेंटर पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वहीं प्रदेश में सभी मोबाइल और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते अपनी इंटरनेट सेवा बंद रख। प्रदेश में एक और नाबालिग दुष्कर्म की शिकार हो गई है। घटना करौली के सदर थाने की है। यहां के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग छात्रा ने स्कूल के ही शिक्षक पर जबरन मोटरबाइक पर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। आरोपी शिक्षक अभी फरार चल रहा है। महिला थाना अधिकारी सुरोज मीणा ने बताया कि नाबालिग छात्रा के पिता ने प्राथमिकी देकर अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि वह स्कूल 10वीं पास की मार्कशीट लेने गई थी। इसी दौरान विद्यालय का शिक्षक बलराम जाट ने बालिका को अपने मोटर बाइक पर बैठा कर हिंडौन सिटी ले गया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया और रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन नाबालिग जैसे तैसे अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं सामाजिक संगठनों ने घटना का विरोध करते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। दुष्कर्म का मामला सामने है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? एक सेंगरपुरा की एक बच्ची है, 15 साल की, 10वीं क्लास की स्टूडेंट है। वो कल कोई मार्कशीट लेने स्कूल में गई थी, उसी स्कूल के एक टीचर उसको बिठा के लेके गया मोटरसाइकिल पर और उसके पिताजी ने आके रिपोर्ट दी है आज कि भाई मेरी बच्ची को ऐसे ऐसे वो टीचर बिठा के लेके गया है और दुष्कर्म करना बताया गया है।
तो रिपोर्ट दर्ज कर लिया, मामला दर्ज कर लिया, अभी जांच चल रही है। मेडिकल के लिए बच्ची प्रेजेंट नहीं थी तो उसका मेडिकल हम कल के लिए बोल के गए, कल करा। नहर वाले रास्ते से गए थे, बच्चीपुर वाला रास्ता था, फिर उन्होंने इंडोन को घुमा दी मोटरसाइकिल साइड की स्पीड में ले ली थी, और ना तो उसके से उतर पाई और ना वो कर पाई मैं। उन्होंने फिर हिंडौन पहुंचा दिया तो मैं रोने लग गई थी। हिंडौन रूम फिर एक रूम दे रखा था, रूम खोला और मेरे को उसने भटक दिया और वहाँ पे गेट लगा दिया। वहाँ से वो कोचिंग के लिए जाते ढाई से लेके साढ़े तीन कोचिंग के लिए चले गए, फिर साढ़े तीन बजे आए। मेरे को भूख लग गई थी क्योंकि सुबह खाना खाया था, इसलिए भूख लग रही थी। मैं रोने लग रही थी, मम्मी को याद कर रही थी, मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। प्लीज़ बोलो थोड़ा सा। सर ने बोला क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं सर, आप मारपीट के लिए लाए लेकिन आपने धोखा किया है। सर ने बोला भूख लग रही है क्या? मैंने कहा भूख लगेगी नहीं। मांगे ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने जो व्याख्याता थे वहाँ उनके द्वारा एक अबोध बालिका के साथ में कुकृत्य किया गया है, उससे पूरा समाज ही नहीं सारा क्षेत्र आहत है इस बात से। और हमने कलेक्टर साहब से ये मांग की है, चूँकि जिले के मुखिया हैं वो, उनसे हमने ये मांग की है कि उसके खिलाफ तुरंत गंभीर रूप अख्तियार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार करा जाए, अन्यथा फिर समाज को उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। घटना राजस्थान के करौली इलाके की है। पीड़ित रामफूल माली घर में अकेला था, तभी एक अनजान युवक घर में आया और बिजली मीटर की जांच के बाद बैठकर बातचीत करने लगा। युवक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली है जिसमें बुजुर्गों के खाते में 70,000 रुपए जमा करवाए हैं। युवक ने बुजुर्ग से कहा कि ये पैसे तभी निकलेंगे जब खाते में 18,000 रुपए जमा कराएंगे। इसके अलावा 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलने का झांसा भी दिया। अशिक्षित वृद्ध युवक के झांसे में आ गया और खुद के और पत्नी के नाम पर 36,000 रुपए युवक को दे दिए। बुजुर्ग युवक के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया। इस दौरान आरोपी आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के नाम पर बैंक से चंपत हो गया और बुजुर्ग के सुने घर पर पहुंचकर वहां अलमारी में रखे 2.25 लाख रुपए नगद और 5 किलो चांदी व सोने की गुलीबंद लेकर गायब हो गया। ये रामपुर माली निवासी शिकारगंज प्रधानमंत्री योजना के नाम पर ठगी की शिकायत की है। मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। शीघ्र जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीटर देखो, मीटर बाहर दे रहे हो कि बाबा मीटर चेक करवा रहा हूँ मैं, और मीटर तुम्हारा सही चल रहा है? नहीं सही चल रहा हूँ भैया, बंद तो नहीं है। और भाई हमारे बिल कितने का है भाई? ऐसा दो देखो, ये कहते नहीं मेरे खाट पर आ रहे थे, मैं खाट पर सो रहा। जब बाने कही कि बाबा ऐसा है कि तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी मेरी 70-75 की उम्र है। कि भैया वो बाबा एक जो मोदी सरकार है वहाँ ने एक स्कीम निकाली है, 70,000 रुपये खाते में डाल रहे हो। पहले 18,000 रुपये जमा करा, जब भी तुम्हारे 18,000 तो निकल आएंगे और फिर तुम्हें 70,000 रुपये कर जाएंगे। एक भामा साहब पहुँची, वो भामा साहब आधार कार्ड और ये लेकर चलो तुम। जब मैंने आधार कार्ड निकाल लिया और वो निकाल ली और फिर पैसा लेने में घर में गए, पैसा संभाल रहा का जो मेरे पीछे से वो घर में पहुँच गए। घर में पहुँच गए बाने के बाद मैं संभालूंगा, बाने भी नोट संभाले और बाने भी जो और भी नोट देख लिए तो संभाल नोट और 36,000 रुपये बाने अपनी जेब में डल दी। तो टीचर और मैं तेरे खाता खुला दूंगा मेरे भैया बैंक में और तुम्हें 18,000 तो वापसी ले जाएंगे जो क्यों, और तुम्हारी घर सवारी है वो कल ही आएगी। दो उनकी लेसन हो तुम 36,000 जो कि दो उनकी ले गई। फिर कहा हो कि मजा के पहुँचे वो संग लगो मोटरसाइकिल पर मजा के पहुँचे। जब बोलते कही कि बाबा तुम इनके आधार कार्ड के इनकी भी फोटो कॉपी कराए ला और मैं फोटो कॉपी कराए चले गए हो मेरे पीछे से वो करें वापसी वो चीज़ आए आए कह नहीं और जो कि कुछ चीज़ ले कह नहीं और वो गैस खोल कह नहीं बाको कमरा को और भीतर से फिर रही पाई लगा के सगन में सफर करके और जेवर ले। तो मैं बैंक में पहुँचा हूँ तो बैंक वाले ने पूछी भैया कोई योजना आई है कैसी जा रही है यही बाबा कैसी कितने कितने रुपए ले गया? वो ऐसे है कम से कम 2 लाख। 2 लाख और जेवर? जेवर है 3-4 किलो चांदी है, 2 गुलीबंद है, 1 चौकरा है और एक नर है। भाजपा के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने अपना जन्मदिन
बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से भाजपा मुख्यालय में मनाया। सरकार के कई मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता इस मौके पर सैनिक को बधाई देने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि जिस वर्ग से मैं आता हूं, वहां जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए मैंने सादगीपूर्ण तरीके से जन्मदिन मनाता हूं। कि मैं जन्मदिन मनाता ही नहीं, मैं जिस वर्ग से आता हूं, वहां जन्मदिन मनाने की प्रथा ही नहीं। लोगों को याद ही नहीं रहता है कि मेरा बेटा कब हुआ था, बेटी कब हुई थी। ये तो नए युग की शुरुआत है। इस जन्मदिन के मौके पर मैं कार्यकर्ताओं को एक संदेश देता हूँ कि मेरा जन्मदिन विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए और सभी कार्यकर्ता संकल्प लें कि सत्ता प्राप्त करने के लिए 180 प्लस का जो टारगेट हमने तय किया है उसको हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए अधिक से अधिक समय हम देंगे, ये संकल्प आज लें। ये मेरा सभी कार्यकर्ताओं का एक संदेश है। इंग्लैंड को वनडे सीरीज के पहले मैच में 8 विकेटों से करारी हार का सामना करना पड़ा है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में पिछड़ रही मेजबान टीम के लिए एक और बुरी खबर है। टीम के इनफॉर्म बल्लेबाज एलेक्स हेल्स चोट की वजह से भारत के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। हेल्स मांसपेशियों में खिंचाव की परेशानी से जूझ रहे हैं, इसी वजह से वह पहला वनडे भी नहीं खेल पाए थे। इंग्लैंड बोर्ड ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हेल्स पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। पहले मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि वह दूसरे वनडे पर फिट हो जाएंगे, लेकिन अब निश्चित हो गया है कि वह पूरी सीरीज नहीं खेल पाएंगे। हेल्स की जगह टीम मैनेजमेंट ने डेविड मलान को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इस टीम में उन्हें जगह मिले इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। हेल्स ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उस मैच में उन्होंने 41 गेंद पर 58 रन की पारी खेलकर सीरीज को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की थी। खबरों का दौर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।